अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो बनाइए सूजी की ये बहुत ही मज़ेदार ट्रेडिशनल सी रेसिपी। तो वेलकम है आपका समर्स किचन में। सूजी की इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बारीक वाली सूजी ली है और कढ़ाई को पहले गर्म कर लिया था, अब आँच धीमी कर ली है और इसको हम भूनेंगे। और 5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी डाला है और घी डाल करके भी हम इसको भूनेंगे। तो इस रेसिपी में मेन जो हमारा काम है वो ये है कि आपको सूजी को बहुत अच्छी तरह से धीमी आंच पर भूनना है और तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं भूनना है, क्योंकि सूजी जल जाती है और फिर उसके बाद उसमें अच्छा सा टेस्ट नहीं आता। थोड़ा सा घी मैंने और डाला है और इसको हम इस तरह जब तक भूनेंगे जब तक कि बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इतनी सौंधी खुशबू होती है कि आसपास के लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप क्या बना रहे हैं, तो बस तभी समझ लीजिए कि आपकी जो है तो सूजी भुन गई है। और अब बस इसको निकाल करके हम एक अलग प्लेट में रख देंगे और फैला देंगे। तो अब कढ़ाई में मैंने घी लिया है, तो घी करीब मैंने लिया होगा कोई 300 ग्राम जो चम्मच डाला था उसको मिला करके, और यहाँ पर है छोटी इलायची का पाउडर आधा चम्मच और साथ में है ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने नारियल और चिरौंजी ली है। तो नारियल को बारीक बारीक काटा है और इसको फ्राई करेंगे जब तक कि नारियल हमारा हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाएगा। और इस तरह से करने से एक स्टेप बच जाता है, अलग से हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई नहीं करना पड़ता। और बस अब हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं फ्राई। इसमें डाल देंगे पानी, तो पानी इसमें डालेंगे हम 1.5 लीटर, यानी कि 3 गुना पानी जितना हमने सूजी लिया है। तो ये प्रोपोर्शन अगर आप याद रखेंगे तो आपका हलवा एकदम ज़बरदस्त बनेगा। और यहाँ पर है शुगर जो कि है आधा किलो, जितनी सूजी उतना शुगर और उतना ही घी पड़ता है, मैंने कम लिया है। और आप चाहें तो बराबर भी डाल सकते हैं। बस अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को उबालेंगे, 5 मिनट तक उबलने देंगे और बस अब आँच धीमा करेंगे और अपनी भुनी हुई सूजी को संभाल करके डालेंगे, क्योंकि एकदम से सूजी डालने पर इस पर बॉयल आता है। तो ये थोड़ा सा सूजी भूनने वाला काम पेशेंस वाला है, थोड़ा टाइम लगा करके आपको भूनना होगी। पर अगर आप थोड़ा सा बना रहे हैं जैसे आधी कटोरी या कुछ, तो वो जल्दी से भुन जाएगी और हलवा आपका ज़बरदस्त बन जाएगा। बस इसी प्रोपोर्शन को याद रखिएगा कि जितनी सूजी उसका 3 गुना पानी और उसी के बराबर घी और उतना ही शुगर, तो परफेक्ट हलवा बनेगा बिल्कुल आपका। और बस अब सूजी डालने के बाद हमें इसको चलाते रहना है और विद इन 2 मिनट्स ये पककर हमारा तैयार हो जाएगा। एकदम से गाढ़ी हो जाती है सूजी, तो इसको पका लेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से हमारी पक जाए और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसमें आ जाए। तो ये थी हमारी एक बहुत ही बेसिक और ट्रेडिशनल हलवे की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और आप मुझे बताइए हलवा आप कब खाना पसंद करते हैं, पूरी के साथ खाना आपको अच्छा लगता है या नहीं। समर्स किचन में डेली मैं नई रेसिपी लेकर के आती रहती हूँ जो कि बनाने में होती हैं बहुत ही आसान और बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, आप घर में तैयार कर सकते हैं। इतनी आसान होती हैं और इतने बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं कि जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं और अभी के अभी आप बना सकते हैं, कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं पड़ता। और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और ऊपर से थोड़ा सा घी और डाला है। ऊपर से घी डालने पे एक अलग फ्लेवर आता है। घी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन्जॉय करिए ये सूजी का हलवा। लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।